हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा है कि पहले आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मुझे जानते भी नहीं होंगे। और मैं जो 2017 से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, तो मेरी 4-5 साल की जो यूट्यूब जर्नी है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में बताऊंगा। मेरे स्टार्टिंग के जो 2 साल थे, उन 2 सालों में मैंने यूट्यूब के बारे में जो है अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर को भी नहीं बताया था। तो और जो स्टार्टिंग के 2 साल में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, वो एक पब्लिक गार्डन में जाके रिकॉर्ड करता था। तब मेरे पास कोई एक अच्छा माइक भी नहीं था, और जो मैंने माइक परचेस किया था उसके पीछे की भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मेरा जो एक एडसेंस अकाउंट था, वो एडसेंस अकाउंट भी डिसेबल हो चुका था। तो ऐसे जो है मैंने 3 चैनल बनाए थे, जिसमें से 2 चैनल फेल हुए और 1 चैनल से मेरी जो है अर्निंग स्टार्ट हुई। और उससे मैंने क्या क्या अचीव किया, ये भी आप लोगों को इस वीडियो में जानने मिलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करोगे तो ये वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक वॉच करते रहना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेरे इंट्रोडक्शन की। तो मेरा नाम है जुनेद पठान और मैं रहता हूँ सिटी ऑफ ड्रीम्स, यानी कि मुंबई शहर में। और अभी जो है मैं करंटली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं बीई के लास्ट ईयर में हूँ। तो ये तो हो गया मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब अगर बात करें यूट्यूब जर्नी के बारे में, तो मैंने 2017 में अपना यूट्यूब का पहला चैनल ओपन किया था। इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक दिन मैं अपने कजिन के घर पर गया हुआ था और वो अपने मोबाइल फ़ोन में एडिटिंग कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे बताया था कि ये जो है एडिटिंग है, इसे जो है यूट्यूब पर अपलोड करके पैसे मिलते हैं। तो मैंने जस्ट उसे कह दिया था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल बनाने, और उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल जो है बना कर दिया था। उसके बाद मैं घर गया, घर जाने के बाद यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स कैसे लगाते हैं, और ऐसे मुझे बेसिक सी नॉलेज हो गई थी यूट्यूब की। उसके बाद मैंने जो 2017 में अपना एक व्हाट्सअप स्टेटस चैनल क्रिएट किया जुनेद पठान नाम से, और उस चैनल पर मैं जो है व्हाट्सअप स्टेटस अपलोड करता था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब स्टार्टिंग में मैं अपना चैनल क्रिएट किया था, तब मैं दूसरों के वीडियो डाउनलोड करता था, उस पर अपना लोगो लगा के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करता था, और उसकी जो लिंक है वो व्हाट्सअप पे इंस्टाग्राम पे शेयर करता था, ताकि मेरे फ्रेंड्स जो है वो वीडियो को देख पाए। और ऐसे जो मैंने उस चैनल पर 50-60 सब्सक्राइबर कर लिए थे, और वो चैनल अभी भी मेरे पास है। फिर जब मुझे ये बात पता चली कि यूट्यूब पे जो है व्हाट्सअप स्टेटस चैनल मोनिटाइज नहीं होते, तो मैंने जो उस चैनल को ऐसे ही छोड़ दिया और उस चैनल पे वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने 2017 के एंडिंग में या 2018 के स्टार्टिंग में एक नया चैनल क्रिएट किया स्पेशल टेक नाम से, और तब मुझे जो है थोड़ी बहुत यूट्यूब के बारे में नॉलेज हो गई थी, क्योंकि मैं दिन भर यूट्यूब ही स्क्रॉल करता रहता था और यूट्यूब के ऊपर ही वीडियोज देखता रहता था कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन टैग कैसे लगाने हैं, ऐसे ही वीडियो जो है मैं यूट्यूब पर देखता रहता था। तो 2018 में मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया था स्पेशल टेक नेम से। उस चैनल पे मैं जो है टेक रिलेटेड वीडियोस या जो न्यूज़ की वीडियोस होती है या जो ऐप रिव्यू के वीडियोस होती है, उस तरह के वीडियोस अपलोड करता था वॉइस रिकॉर्ड करके। और मैं जो है एक दिन अपने फ्रेंड को मेरे वीडियो की लिंक शेयर की, और जब हम लोग कॉलेज में मिले तो उस फ्रेंड ने मुझे एक सजेस्ट किया था कि मुझे जो है चीट फंड कंपनीज के ऊपर न्यूज़ बनानी चाहिए। अभी जो चीट फंड कंपनीज होती है, ये ऐसी कंपनी होती है जो लोगों का पैसा लेकर भाग जाती है। तो मुझे जो है मेरे दोस्त ने उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, तो मैंने जो है घर आकर उसके ऊपर और थोड़ी रिसर्च करके एक वीडियो बनाई थी चीट फंड कंपनी के ऊपर, और वो मेरी पहली वीडियो थी दोस्तों जिसपे 10,000 व्यूज मुझे मिल गए थे। और आज भी मुझे पता है, मैं लोकल ट्रेन में बैठा हुआ था और जब मैंने अपना YT स्टूडियो में से एनालिटिक्स चेक किया, तो मुझे 10,000 व्यूज मिले थे और 2,000 सब्सक्राइबर भी मिल गए थे। तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसके बाद मैंने कॉलेज में जाकर अपने फ्रेंड को ये बात बताई कि मुझे 10,000 व्यूज मिल गई है, जो वीडियो को तूने सजेस्ट किया था उस पर 10,000 व्यूज आ गए हैं। तो उसने मुझे और थोड़ी जानकारी दी चीट फंड कंपनी के बारे में, तो मैंने उसके ऊपर और वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मेरे बहुत सारे वीडियो वायरल होने लगे और मेरे 25-26 हज़ार सब्सक्राइबर उस चैनल पर हो गए थे। तो उसके बाद गाइस, मैंने अपने यूट्यूब चैनल को जो है वो मोनिटाइजेशन के लिए रिव्यू में भेजा, और 4 मंथ तक मेरा चैनल जो है वो मोनिटाइजेशन में ही रिव्यू में था, और मुझे यकीन था कि मेरा चैनल जो है एक ना एक दिन मोनिटाइज हो ही जाएगा। उसके बाद मुझे एक दिन मेरे पास मेल आता है यूट्यूब की तरफ से कि मेरा चैनल का जो मोनिटाइजेशन है, यानी कि जो एडसेंस अकाउंट होता है, वो परमानेंटली डिसेबल हो गया था। तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, पर तब भी मेरे दिल में होप थी कि मेरा चैनल जो है वो वापस से रीइनेबल हो जाएगा, यानी कि एडसेंस अकाउंट रीइनेबल हो जाएगा और मेरा चैनल मोनिटाइज भी हो जाएगा। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी, हाउ टू इनेबल एडसेंस अकाउंट, हाउ टू इनेबल डिसेबल एडसेंस अकाउंट, और सारे तरीके मैंने अपना लिए, पर कोई भी तरीका गाइस जो है उस पर काम नहीं किया। तो फाइनली मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे उस चैनल को जो है छोड़ देना है, और मैंने जो है 25-26 हज़ार सब्सक्राइबर किए हुए चैनल को छोड़ दिया, और ये मेरा सेकेंड चैनल था जो कि फेल हो चुका था। उसके बाद मैं एकदम डिमोटिवेट हो गया था कि अब मुझे यूट्यूब से कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। और गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मैंने अपने फैमिली या फ्रेंड्स को भी नहीं बताया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ, और जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था वो वीडियो में जो सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करता था। और वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए मैं पब्लिक गार्डन में जाता था, जहाँ पर मैं जो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता था।
पहले मेरे पास जो एक एयरफोन था, एयरफोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था। उसके बाद मैंने जो यूट्यूब के लिए एक माइक परचेज किया और उस माइक के पीछे की स्टोरी कुछ इस तरह से, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ से मुझे जो स्कॉलरशिप आती थी और स्कॉलरशिप के पैसों से मैंने जो है कुछ पैसे बचाकर एक माइक परचेज किया था यूट्यूब के लिए, जो मेरा स्पेशल एक चैनल था। तभी मैंने जो है अपने लिए माइक परचेज कर दिया था और उसी माइक से फिर मैं धीरे धीरे जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो एडसेंस डिसेबल हो जाने की वजह से मुझे उस चैनल को छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने जो है 2019 में अपने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया टेक जुनेद नाम से। और जो मेरे पिछले दो चैनल थे उन दो चैनल की वजह से मुझे अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी थी यूट्यूब की, कि यूट्यूब पे टाइटल कैसे लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन टैग्स कैसे लिखते हैं, वीडियो रैंक कैसे होती है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स की नॉलेज मुझे हो चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे दो चैनल जो है वो फेल हो चुके थे। तो इसलिए मैंने जो डिसाइड किया 2019 में एक नया चैनल ओपन करेंगे जिसमें मैं यूट्यूब टिप्स की वीडियोज अपलोड करूंगा। और मैंने जो 2019 के स्टार्टिंग में एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया टेक जुनेद नाम से। तो स्टार्टिंग में मैंने जो है यूट्यूब टिप्स के रिलेटेड ही वीडियोज अपलोड किए। उसके बाद जो है 2019 में आप लोगों को पता होगा कि पबजी बैन के ऊपर एक न्यूज आई थी, तो मैंने जो है पबजी बैन न्यूज के ऊपर एक वीडियो बना दी और वो मेरा वीडियो वायरल हो गया। उससे मुझे 10,000 सब्सक्राइबर भी मिल गए और मेरा जो वॉच टाइम था वो वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया और मैं धीरे धीरे और ज्यादा मोटिवेशन के साथ वीडियो अपलोड करता गया। और आज भी मुझे याद है कि लॉकडाउन के ठीक पहले मैंने अपने चैनल को जो है मोनिटाइजेशन के लिए भेजा था और सिर्फ 2 दिन में मेरा चैनल जो है मोनिटाइज हो चुका था और मेरे पास जो मेल भी रिसीव हो गया था कि मेरा चैनल जो है मोनिटाइज हो चुका है। तब भी गाइज मैंने अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को नहीं बताया था कि मेरा चैनल मोनिटाइज भी हो गया है, अब मुझे वहाँ से पैसे आएंगे। फिर धीरे धीरे मैं और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ जो है वीडियोज अपलोड करता गया। उसके बावजूद मुझे 1 साल लग गया मेरा पहला पेमेंट आने के लिए। तो मेरा जो पहला पेमेंट आया था उसके बाद मैंने अपने घर पे बताया कि मेरा जो है यूट्यूब पर एक चैनल है जिसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और उसी से मुझे पेमेंट आई है। और उस पेमेंट से मैंने जो है अपने लिए Redmi Note 9 Pro Max का 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला मोबाइल परचेज किया और इसी मोबाइल से अभी मैं जो है ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेरी रेगुलर पेमेंट आने लगी उससे मैंने जो है अपनी कॉलेज की बहुत सारी फीस भी भरी और जो है साथ ही मैं अपने लिए गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा और भी ऐसे छोटे मोटे जो इक्विपमेंट होते हैं वो मैं अपने लिए खरीद पाया यूट्यूब के पेमेंट की वजह से। और दोस्तों 2022 के स्टार्टिंग में आते आते मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था अपने यूट्यूब चैनल को लेकर क्योंकि मेरा व्यूज जो था वो धीरे धीरे डाउन होने लग गया था। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे जिसमें से मेन रीज़न ये था कि मैं रेगुलर वीडियोज अपलोड नहीं कर पाता था और रेगुलर वीडियोस में इसलिए नहीं अपलोड कर पाता था, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया मैं पब्लिक गार्डन में जाकर जो वीडियो को रिकॉर्ड करता था, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता था। तो वहाँ पे जो है कभी कोई फंक्शन रहता था या कोई लोग अगर आके बैठे हुए रहते थे तो मैं जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था उनके सामने वॉइस रिकॉर्ड करने भी। इस वजह से मैं जो है रेगुलर वीडियोज अपलोड नहीं कर पाता था अपने मेन चैनल पर और धीरे धीरे इसी वजह से मैं जो है इनएक्टिव हो गया यूट्यूब चैनल पर और मेरी जो पेमेंट थी वो भी डिले होने लगती। जो पेमेंट मेरी पहले रेगुलर आती थी अब मुझे जो पेमेंट रेगुलर भी नहीं आने लगी जिससे मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया और धीरे धीरे मैं जो है बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने लग गया अपने यूट्यूब चैनल पर। और 2022 के सितंबर मंथ में मैंने वापस से डिसाइड किया कि मैं अपने चैनल को वापस से ग्रो करूंगा और इस पे जो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, बहुत सारे वीडियोज अपलोड की, बहुत सारे क्लिकबेट वाले थंबनेल भी लगाए बट कोई भी तरीका काम नहीं किया क्योंकि मेरा जो चैनल है वो धीरे धीरे डेड हो चुका था और चैनल पे जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो सब्सक्राइबर भी जो डेड हो चुके थे, उन लोगों तक नोटिफिकेशन ही नहीं जा रही थी मेरी यूट्यूब वीडियो की। इस वजह से मैंने जो है उस यूट्यूब चैनल को भी अभी स्किप कर दिया है, उस यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियोस नहीं अपलोड करता। उसका नाम मैंने जो है FM डिजिटल रख दिया है और इसी यूट्यूब के जर्नी में मुझे एक बिजनेस आइडिया भी मिला जो कि मेरा FM डिजिटल है जिसमें मैं जो है गूगल एड्स की सर्विस लोगों को प्रोवाइड करता हूँ जिससे जो है मेरी थोड़ी बहुत इनकम अभी हो रही है। 2017 से लेकर 2022 तक की मेरी YouTube की जर्नी ये थी, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और हाँ मैं पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही होगी इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा वीडियो को जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेना। आने वाले टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे अपनी वीडियो को, क्वालिटी को और सेटअप को भी जो है इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से इनेबल कर देना।